ममिता मेहर जो ताकु हत्या करा जायछि ताकु निर्मम भावरे खंड खंड करी काटी ताकु जळी दिया जायछि एटा राजनैतिक माने बीजेडी रा नेता माने जेमिति म आरंभ रु कहिबे सारा ओडिसा रे कुंडुली को नियंतु बेबिनार घटना नियंतु सस्मितार नियंतु तो ए प्रकार अनेक माने घटना रे महिला मानंकर अत्याचार दुष्कर्म भितरे नवीन पट्टनायक मंत्री मानकर संप्रुक्ति रही आई जो ममिता मेहर घटना एटा तो सीमारु चरम सीमा टपी जाइछे एथिरे दिव्यशंकर मिश्र जी कि कैप्टेन अच्छा कैप्टन मंत्रिमंडल गोटे उच्च दायित्व अच्छा से लोक को सारा ओडिशा राज्य में आज निया जलुता बेले नवीन सरकार घंट घोड़े रखा अत्यंत दुखर विषय और परितापर विषय सचोट नेता माँ को सम्मान बोली आह्वान दौरान नवीन पट्टनायक आज प्रमाणित करे केवल तर अनैतिक अत्याचार दुष्कर्म लिप्त थिबा मंत्री मान सुरक्षा देवारे समर्थ अच्छा किंतु महिला मान सुरक्षा देवारे तांकर समर्थ नहीं एथिरे सामाजिक बासन आमर तो वर्तमान ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी सारा ओडिशा कौन दिल्ली पर्यंत व्यापक कलाणी आगामी दिन में जदि दिव्यशंकर मिश्र को नवीन सरकार बहिष्कार न करती गिरफ न करा जाए ताले भारतीय जनता पार्टी सारा ओडिशा राज्य में चुप हो बसी ना कि बसबना प्रभाव कौन आपण एथिरु प्रमाणित हो जाकर केवल मंत्री नुहंती दिव्यशंकर मिश्र नुहंती खुद नवीन पट्टनायक प्रमाणित करदे सी नारी मानकर कौन सी चिंता भितर ना नारी मानक सुरक्षा दे पारे ना ममिता बापा बयान चेंज करिवारे एथिर राजनैतिक प्रेसर निश्चय अच्छी एटा बीजेडी तांको आवाज को दबेबा को चेष्टा करूछि से तांको भयभीत करौछि तो एथिर माने केते दिन माने जो प्रकार अत्याचार करी आछन्थि आ केते दिन करिवे तो वर्तमान महिला माने जागृत हेलेनी सारा ओडिशावासी जागृत हेलेनी ये अत्याचार को केबे बर्दाश्त करा जीवो नाही मु आपण मानक मध्य रे गोटे आह्वान दबा को चाहू छी महिला मानकु जे एबे समय आसी जे आपण माने सजाग हुंतु आपण माने सामना को आसंतु आपण माने शस्त्र उठंतु शस्त्र अर्थ होची आपण मानकर जो वोट अछि ए प्रकार नारी अत्याचारी नारी धर्षणकारी सरकार को ताको ए वोट माध्यम रे निश्चय तले पकांतु आउ तार शासन गादीटा को हटाई दियंतु तेबे जाई के ओडिशा राज्य रे महिला सुरक्षित रहइबो अमर ओडिशा क्राइम रेकर्ड हिसाब रे द्वितीय स्थान रे पहुंचे छि सारा राष्ट्र रे 27,000 शिशु पोड़ी हजी जाकर किसी पता ना आ प्रतिदिन किसी ना कि केस आसुची तेणु ये सरकार कहीं गृह राज्य मंत्री निजे एथेर संपृक्त अच्छा जदि एटा प्रूफ हो जाए कि ममिता मेहर मृत्यु ये दायी अच्छा के दिव्यशंकर मिश्र ताहले एटा गृह विभाग डायरेक्ट नवीन पट्टनायक आसीबो काली से प्रेसर रे तांकर निजर बयान को चेंज कर पैसा शक्ति बहुत बापा से बड़े भूली जाइए मो झी को कौ हिसाब से मारले एमती बापा माने बड़ दुख लगुच किंतु आमे भारतीय जनता पार्टी ता बापा को न्याय देवु ता परिवार को न्याय देवु सारा ओडिशा को न्याय देवु से लगे आम प्रोग्राम पूरा सारा ओडिशा सारा चली ममिता मेहर एकुटिया नुहे ममिता सांगे एम बहुत महिला अच्छा जो मैंने प्रतिदिन प्रति पार्श्विक अत्याचार कर मरा जाटा देखेबा लगी एटा देखेबा लगी कि नाई आम दिव्यशंकर मिश्र ये केस रे इनवॉल्व नहांती कहीं ना बेसरम जो सरकार होला जुग जो से एमती काम करे एथर ये सरकार पतन सुनिश्चित कारण एटा देखे दौची कहीं जदि से दिव्यशंकर मिश्र को बर्तमान बाहर कर दे था जना पड़ था नवीन पट्टनायक स्वच्छ नवीन पट्टनायक स्वच्छ नुहंती नवीन पट्टनायक गादी की माड़ बसवा लगे से सब प्रकार काम करती बोली यहाँ जना पड़ा आहरी आपको कहीदी जिते विजु पट्टनायक से मध्य मुख्यमंत्री थे जड़े मंत्री गोटे महिला को मध्य अत्याचार कर स्टेज उपर से कौन कही मो मंत्री मर्दाना देखे आज बोध लगुच से स्तर को नवीन पट्टनायक चली जाइंट माँ को तांकर सम्मान नहीं ममता भी नहीं ममिता अच्छी जदि सम्मान था आज
ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ବାହାର କରିକି ସିବିଆଇକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଦେଖିବା ଦରକାର ୟୁପି ସରକାରଙ୍କୁ, ୟୁପି ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେସ୍ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିବିଆଇକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କରି ପୋଲିସ ଏନକ୍ୱାରି କରିବ, କ'ଣ ଏନକ୍ୱାରି କରିବ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ? ଆମର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆମେ ମିଳିବନି ବୋଲି ଆମେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛୁ, ନହେଲେ ସେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ତିନି ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଅରୁଣ ସାହୁ ଆଉ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଅରୁଣ ସାହୁ ସେ ଆଉ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ପ୍ରତାପ ଜେନା RTI କେସ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ ପୁରା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୁଫ୍ ରହିଲା ସେ ଅଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ଆଜି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମିଶା, କାହିଁକିନା ସିଏ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ସେ ବାହାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସରକାର ପଡ଼ିଯିବ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯିବ ତାଙ୍କର, ସେ ଭୟଟା ଅଛି। ସେଇଥିଲାଗି କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ କରୁନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି MLAଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ, ପାୱାର ଅଛି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର ପାଖରେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ରାଗିକରି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯଦି ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ନାରାଜ ହେବେ। ସେଇ ଭୟରେ ସେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି।